एक और हाईलाइट के साथ आगे लो, और यहाँ पे आज 98 मैच खेला गया लो एसआरएच और लखनऊ सुपर जॉयंट के बीच में, और हैदराबाद क्यों जीत लो, पहले बॉलिंग करे बैटिंग करे का फैसला कर लो, बैटिंग करे का फैसला हैदराबाद बहुत महंगा पड़ गया, एक पहला विकेट 2 दशमलव 1 ओवर में अभिषेक शर्मा के रूप में गिर गए 19 रन के स्कोर पे 2 दशमलव 1 ओवर में, अभिषेक शर्मा आज कुछ खास ना कर लो 7 रन बनाकर 4 गेंदों पे पहला विकेट के रूप में आउट हो, और दूसरा विकेट भी राव त्रिपाठी के रूप में गिर गए 56 के स्कोर पे 5 दशमलव 4 ओवर में, और त्रिपाठी बनाकर 20 रन 12 गेंद पे, और राव त्रिपाठी भी आज कुछ खास ना कर लो चल गए यश यश के गेंद पे, अनमोल प्रीत थोड़ा सा अच्छा खेल दिखाई दिखाई रहो 36 रन बनाकर 26 गेंद पे, और तीसरा विकेट के रूप में आउट हो लो कॉटन बोल्ड अमित शर्मा गेंद पे 82 रन करो 3 विकेट के निशान पे 8.5 ओवर में 82 पे तीसरा विकेट गिर गया, एडन माक्रम जॉम गेलो 19 गेंद 28 रन बना ले पूरा ये करिए स्टॉक आउट कर लो, कुणाल पांड्या के गेंद पे एडन माक्रम 28 रन करो 115 पे चौथा विकेट गिर लो, और ये सारे एडन माक्रम से आज बहुत उम्मीद रहो लेकिन एडन माक्रम आज उम्मीद पर खरा उतर लो, और ये 0 पे आउट हो गया 115 पे 5वां विकेट गिर लो 12.2 ओवर में, और कुणाल पांड्या के मिल गए ये दूसरा विकेट, अब दो समझ लग लो कि जहाँ से मैच छोड़ लो वहीं से स्टार्ट कर लो, और एक बेहतरीन छक्का लगल को स्कोर पहुंचा दे 152 रन 5 विकेट के नुकसान पर, अब दो समझ आज बहुत अच्छा रमत में दिखाई दे 29 रन बना दे 19 गेंद पे 168 रन पर 5 विकेट हो गए एस आर एच 18.2, वही अगर हेनरी क्लासन तेजी से खेले के चक्कर में गेंद बाउंड्री लाइन पर लपक गए और ये आउट हो गया 19वां ओवर में 73 रन पर 6 विकेट गिर गए, लेकिन अब्दुल समद रुके का नाम नहीं लेकू, और अब्दुल समद लगातार शॉट खेले रहा और एक और छक्का लगा 19.4 ओवर में स्कोर कर दिल्कुल 180 रन 6 विकेट के नुकसान, और इस तरीके से स्कोर कार्ड के देखिए तो स्कोर कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता हूँ, स्कोर कार्ड की बात करा जाए तो स्कोर कार्ड में अनमोल प्रीत सिंह 36 रन करो 27 गेंद पे, अभिषेक शर्मा कुछ खास न करो 7 रन बनकर 5 गेंद पे, राहुल त्रिपाठी 20 रन करो 13 गेंद पे 4 चौका लगल को, आयरन माक्रम 28 रन बनकर 20 गेंद पे 2 चौका 1 छक्का लगो, हेनरी क्लासन इन टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहा हुआ और आज के मैच में भी जबरदस्त खेलो 47 रन करो 29 गेंद पे 3 चौका 3 छक्का, ग्रेन फिलिप्स आज जल्दी करो जल्दी चल गए, अब्दुल समद अच्छा बैटिंग करो 37 रन 25 गेंद पे, लग लो कि जहाँ से छोड़ लो आज वहीं से शुरू कर लो, भुवनेश्वर कुमार कुछ खास न कर लो, आज का बॉलिंग की बात करिए एक्स्ट्रा रोलो 5 और टोटल 20 ओवर में 182 रन बनाने को 6 विकेट के नुकसान, पार्टनरशिप की बात करा जाए तो पार्टनरशिप में सबसे बड़ा पार्टनरशिप जो रहा वो रहा लगभग 50 रन के पार्टनरशिप 58 रन के पार्टनरशिप वो भी 6-6 विकेट के लिए हेनरी क्लासन और अब्दुल समद के बीच में, बॉलिंग की बात करा जाए तो बॉलिंग में युद्धवीर सिंह के 1 विकेट मिल लो 24 रन देखे, कैल मायर्स के कोई विकेट ना, कुणाल पांड्या के 2 विकेट मिल लो 24 रन देखे, आवेश खान के 30 रन देखे 1 विकेट, यश ठाकुर के 28 रन देखे 1 विकेट, अमित मिश्रा के 40 रन देखे 1 विकेट, और रवि बिश्नोई के 23 रन देखे कोई विकेट ना, इसी तरीके से सनराइजर हैदराबाद 20 ओवर में 182 रन बनकर 6 विकेट के नुकसान, लखनऊ सुपर जॉयंट्स भारी भरकम 183 रन के लक्ष्य के पीछा करना शुरू कर लो, और एक पहला विकेट जल्दी गिर गया 3.2 ओवर में कायल मेयर्स के रूप में 2 रन कर लो कायल मेयर्स, और 12 रन पे पहला विकेट मिल गया हैदराबाद के, और जबरदस्त कैच लपक गए एक पर, क्विंटन डिकॉक आज भी अच्छा रंगत में दिखाई दे रहा और ये छक्का मार लो, और स्कोर के 6.5 ओवर में 40 रन 1 विकेट के नुकसान पे कर लो, रिवर्स शॉट खेले के चक्कर में क्विंटन डिकॉक अपन विकेट खो दे 29 रन कर लो 18 गेंद पे 54 रन पे दूसरा विकेट मिल गया सनराइजर हैदराबाद के, प्रेरक मानकोंड आज अपन पहला आईपीएल मैच खेल लो और बहुत जबरदस्त खेल खेल लो, और छक्का लगल को स्कोर अपन 42 रन कर दिल को, और टीम के स्कोर 95 रन कर दिल को 2 विकेट के नुकसान पे 13.1 ओवर में, प्रेरक मानकोंड अपन हाफ सेंचुरी बना लो 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे 14.4 ओवर में, और ये पहला हाफ सेंचुरी रहो आईपीएल के, स्टोनिस आज जबरदस्त खेलो स्टोनिस लगातार छक्का लगल को और 14.5 ओवर में स्कोर के कर दिल 113 रन 2 विकेट के नुकसान पर, स्टोनिस सब बॉलर के टारगेट में ले लो और फिर उसे छक्का लगल को जबरदस्त छक्का और स्कोर पहुंचा दे 120 रन 2 विकेट के नुकसान, मार्क्स स्टोनिस एकदम बैक टू बैक छक्का छक्का लगल को और ऐसा लगता रहो कि वो आज छक्का लगाने के चलते ही खेल रहा लगातार छक्का छक्का में डील कर रहा स्कोर पहुंचा दे 15.2 ओवर में 27 रन 2 विकेट के नुकसान, 16वां ओवर में ये आउट हो गया 40 रन कर लो 24 गेंद पे अगर आप बाउंड्री लाइन पे अब्दुल समद कैच लपक लो, और उसके बाद लग लो कि एसआरएच मैच में वापसी करता हूँ लेकिन मैच के स्टोनिस खींच के ले गल एसआरएच के हाथ से, ओकरा बाद निकोलस पुरन, निकोलस पुरन आते ही ऐसा बॉलर पे टूट लो कि मैच के कुछ ही मिनट में वो बदल के रख दिल को, निकोलस पुरन बैक टू बैक छक्का लगल को और वहां से मैच के खींच के ले गए लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमा में, निकोलस पुरन हैट्रिक छक्का लगल को लगातार 3 गेंद पे 3 छक्का स्कोर के 16 ओवर में 145 रन कर दिल को 3 विकेट के नुकसान, प्रेरक मानकोंड भी अच्छा रंगत में आ गए वो भी एकदम बॉलर पे टूट पड़े 155 रन पे 3 विकेट कर दिल को 16.5 ओवर में, निकोलस पुरन एक और छक्का लगल को स्कोर कर दिल 78 रन 3 विकेट के नुकसान पे 19वां ओवर में 19.4 ओवर में स्कोर हो गया 182 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और वहां से लखनऊ सुपर जायंट्स आज चौका लग लो और स्कोर हो गया 19.2 ओवर में 185 रन 3 विकेट के नुकसान पे, और लखनऊ सुपर जायंट्स ये मैच के 7 विकेट से जीत लेको, मार्कॉन्ड पूरा जबरदस्त पूरा एकदम धागा खोल को बॉलर के 13 गेंद पे 44 रन ठोक दे, पार्टनरशिप 58 रन के बनल को 23 गेंद पे एकदम जबरदस्त खेल खेल लो, और ये जबरदस्त खेल के बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स मैच के जीत गए, स्कोर कार्ड के बात करल जाए तो कायल मेयर्स 2 रन कर लो, क्विंटन डिकॉक 29 रन कर लो 19 गेंद पे 3 चौका 1 छक्का, प्रेरक मार्कॉन्ड जबरदस्त खिलाड़ी उभर के लो और जबरदस्त खेल खेल लो 64 रन बना के नॉट आउट रहो 45 गेंद में 7 चौका 2 छक्का, मार्कस स्टोनिस अपन काम बखूबी कर लो 40 रन बनाकर 25 गेंद में 2 चौका लगल को 3 छक्का लगल को 60 के स्ट्राइक, और निकोलस पुरन ये जबरदस्त खेलो 44 रन कर लो 13 गेंद पे 3 चौका 4 छक्का 338 के स्ट्राइक रेट के साथ, और पार्टनरशिप की बात करल जाए तो पार्टनरशिप में सबसे बड़ा पार्टनरशिप रहो 73 रन के वो मार्कस स्टोनिस और प्रेरक मार्कॉन्ड के बीच में, और बॉलिंग की बात करल जाए तो बॉलिंग कुछ इस तरीके से दिखो
भुवनेश्वर में कोई विकेट न मिलो फजालक फरूकी के कोई विकेट न मिलो, ग्लेन फिलिप्स 10 रन देकर 1 विकेट ले, टी नटराजन 31 रन देकर कोई विकेट नहीं, मयंक मारकंडे 39 रन देकर 1 विकेट और अभिषेक शर्मा 42 रन देकर 1 विकेट, कोई भी बॉलर बॉक्सर न गलो, एक ग्लेन फिलिप्स अच्छा इकोनॉमिकल बॉलर माने जाते, सफल भी बॉलर माने जाते, 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट। और एक समरी की बात करिए तो समरी कुछ इस तरीके से दिखो, हैदराबाद टॉस जीतो, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर लो, बल्लेबाजी में 20 ओवर में 182 रन बना लो 6 विकेट के नुकसान पे, हेनरी क्लासन 47 रन कर लो 29 रन देके 29 गेंद पे, अबू समद 37 रन कर लो 25 गेंद पे, हरमनप्रीत सिंह 36 रन कर लो 27 गेंद पे, कुणाल पांड्या 24 रन देके 2 विकेट, युद्धवीर सिंह 24 रन देके 1 विकेट, यश ठाकुर 28 रन देके 1 विकेट। उसका जवाब में सुपर जायंट्स 185 रन बना दे 3 विकेट 19.2 ओवर में, प्रेरक मार्कंडा पहला मैच खेलो, पहले मैच में 64 रन मार दे हाफ सेंचुरी, निकोलस पूरे खतरनाक खेलो 13 गेंद में 44 रन बना लो, मार्क्स टोनी 40 रन कर लो 25 गेंद पे, ग्लेन फिलिप 2 ओवर में 2 रन देके 1 विकेट, मयंक मारकंडे 3 ओवर में 40 रन देके 1 विकेट, अभिषेक शर्मा 3 ओवर में 42 रन देखे 1 विकेट। अभी टेबल की बात करें, टेबल कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ई जीत के साथ गुजरात टाइटंस लखनऊ सुपर जायंट्स ये पहुंच गए 4th नंबर पे 13 पॉइंट के साथ, और घमासान बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, अभी जो टॉप 5 टीम जो है वो टॉप 5 12-12 मैच खेल लगे, और टॉप 5 में अब राजस्थान रॉयल्स के ऊपर बाहर होकर खतरा मंडरावे लगलो, कहे कि एक दोनों मैच जितना बहुत ही जरूरी हो गए, और वहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा हुआ, एक भी दोनों मैच जितना बहुत जरूरी हो गए, आरसीबी के पास 3 मैच हो तीनों मैच जितना जरूरी है, केकेआर के पास भी 2 मैच हो अब एक पहुंचना मुश्किल हो गए, पंजाब के पास 3 मैच हो तीनों मैच जितना जरूरी हो, सनराइजर हैदराबाद के अब कोई भी मौका न मिले, अब मौका खत्म हो गए, 3 मैच बचल, लेकिन 16 पॉइंट तक ना पहुंचता हूं, दिल्ली कैपिटल भी अब एक का मौका समाप्त हो गया, अब यहां से जो 8 टीम ऊपर के 3 टीम तो लगभग क्वालिफाई कर गए, लेकिन 4th पोजीशन के चलते अब लड़ाई चलता हूं, वो लड़ाई में हो एलएसजी आरआर आरसीबी और आरसीबी और पंजाब किंग्स भी अभी लड़ाई में शामिल हो, और केकेआर लगभग बाहर हो गए, क्या 12 मैच में 10 पॉइंट हो गए, आप 2 मैच जितो जितो जाए तो 14 पॉइंट होते, ये रहो आज के मैच के 98वां मैच के हाईलाइट, तो ऐसे क्वेश्चन लग लो बताइए, और अगर अच्छा लग लो तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर, शेयर कर, और बता कैसा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, धन्यवाद जी।